जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि चित्रांकन आपके लिए लेके आ रहा है टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें 50 क्वेश्चन थे जो कि आपको सॉल्यूशन के साथ बताया गया, ठीक उसी सिलसिले में सेकेंड वीडियो जो बना रहे हैं हम, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अपने साथ आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएँ और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें और लास्ट में बताएं कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखिए आपके सामने 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल आप तैयार हो जाएं और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं, उसके लिए जो है हमने स्टार्ट किया ये क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज। तो देखिए इसमें आपके 45 मिनट दिए हुए हैं हमने, 200 नंबर का है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिए आप लोग ध्यान से, हरिवंश पुराण संस्कृति पांडुलिपि से लिया गया है, चित्र है जो मिस्किन कलाकार द्वारा चित्रित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, नुवास आर्क, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, सलीम का जन्म, दारा सिको की बरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, जो कि हरिवंश पुराण संस्कृति से आपका लिया गया है। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में एक पेंटिंग जल रंग में चित्रित है जिसमें वास तकनीकी का प्रयोग किया गया है, यह चित्र कृष्ण के दिव्य जीवन को दर्शाती है। तो आप बताएंगे साथ साथ में, देखिए इसका पहला ऑप्शन है गोपियों संग कृष्ण, राधिका, रासलीला, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। तो आप बताएंगे इसका सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रासलीला, सी ऑप्शन। आप जानते हैं कि रासलीला जो पेंटिंग है इसको बनाए हैं आपके छितेंद्रनाथ मजुमदार, मजुमदार, इसका यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, साथ साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे जो कि आपका ऑप्शन होगा उसको मिलाना भी होगा, सुमेलित करना होगा। तो देखिए इसका दिया हुआ है ए दीवारों से सरोकार का जो होगा आपका वो होगा आपका 1982 यानी कि ए का दूसरा, या देखिए ए का दूसरा दिखा रहा है, यहाँ पे ए का पहला, यहाँ का ए का तीसरा, यहाँ का चौथा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी क्या आपका है बिल्कुल गलत है। सेकेंड देखिए आपका दिया हुआ है देवी, देवी जो चित्र बनाए हैं वो ज्योतिन्द्र मान शंकर भट्ट ने इसको बनाया है, इसका जो होगा आपका 1970। देखिए गोपियों संग कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका सी का पहला, 1330 टाइमिंग दिया गया है। देखिए डी का हो जाएगा आपका 1760 जो कि आपकी बनी ठनी पेंटिंग जो है बनाया गया था, निहाल चंद ने इसको बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है इसके बारे में, बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन, यह एक ग्राफिक प्रिंट है जिसको कागज पर एक रंगीन एचिंग से सोमनाथ होर ने चित्रित किया है जिसका समय काल रहा है। सोमनाथ होर का एक कोटेशन भी आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हम चित्र नहीं, हम जो है जख्म बनाते हैं, उन्होंने इनका कहावत भी है। और ये जो है कुपोषित कह सकते हैं या ऐसे चित्र जो काफ़ी जो उन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी टाइमिंग को पूछा है आपका, तो इसका जो टाइमिंग हो जाएगा 1958, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठ भी जाएं और साथ साथ मेरे सॉल्व भी करते रहें। देखिए आगे पेंटिंग अंकित है, नीचे देखिए पेंटिंग अंकित है, पृष्ठभूमि में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश दिखाया गया है जिसके मध्य में आकाशीय बिजली की चमक दिखाई गई है, इस चित्र में यूरोपीय शैली के गुण होता है। मतलब कि देखिए इसमें से कहा गया है कि
इस पेंटिंग में यूरोपीय गुण देखने को मिलता है, यानी कि यूरोपीय तकनीकी देखने को मिलता है, और आकाश में जो है आपका जो है बिजली दिखाया गया, आकाश में बिजली दिखाया गया। ये चित्र किसको दिखाता है? जैसे देखेंगे आप जादूगर, जादूगर जो चित्र है आपका किसका है? तो गंगना टैगोर का चित्र है। आगे देखिए राजा अनुसिंहाड़ा, ये आपके बुद्धि शैली का है। राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए जो चित्र है यह आपका है राजा रवि वर्मा का चित्र है, जिसमें यूरोपीय शैली और आकाश में बिजली तड़पते हुए दिखाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लोक कला के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। लोक कला के पुनर्जागरण जो पिता जो कहा गया है वो कहा गया आपके यामिनी राय को। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अवनी टैगोर, ईवी हैवेल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यामिनी राय। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप, गगनेनाथ टैगोर जिन्होंने अपने चित्रों में ज्यामितीय रूप में अंकित किया जो विश्लेषणात्मक घनावादी शैली के नाम से जाना जाता है, इनमें से प्रमुख चित्र कौन सा है? यहाँ पे प्रमुख चित्रों की बात कर रहा है कि जो उस पेंटिंग कौन सी है जिसमें गगनेनाथ टैगोर के घनवादी चित्र जो है देखने को मिलता है। तो खास करके आप देखेंगे ऑप्शन जो दिया गया है, सिटी इन द नाइट, किसान परिवार, सिख शीर्षकहीन, सिटी फॉर सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिटी इन द नाइट, जिसमें जो है आपका क्यूबिज्म में देखने को मिलता है खास करके चित्रों में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आप अपने साथ जो है मिलाते रहें कितना आपका सही हो रहा है कितना आपका गलत हो रहा है। देखिए इस तरह के भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभिकथन और कारण के बारे में। तो इसका देखिए, राजस्थानी चित्रकला मुख्य रूप से राजस्थान एवं वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों एवं ठिकानों में फैली थी, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, किशनगढ़ में फैली हुई थी। तो ये बात क्या आपका है बिल्कुल सत्य है, लेकिन देखिए कारण क्या दिया हुआ है, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य इस शैली का विकास हुआ है। यानी कि आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए ए और आर दोनों सही बात है बिल्कुल, लेकिन ए की सही व्याख्या आर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त आपका पहला ऑप्शन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो आपको क्वेश्चन को जो भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है और तब जाकर उसका जवाब देना है। एक से दो बार, तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। देखिए लिखा हुआ है, निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए और सही गलत कथन को पहचाने। देखिए क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी, ये बिल्कुल क्या आपका सही है। आगे देखिए, मेवाड़ में साहिब जी ने रागमाला 1628, रसिक प्रिया, भागवत प्रिया 1648 और रामायण का युद्धकांड 1652 का चित्रण किया गया है, तो बिल्कुल आपका क्या है सही है। देखिए सेकेंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मुगल चित्रकला केवल भारतीय शैली, बिल्कुल नहीं, मुगल कला जो है भारतीय प्लस ईरानी से मिलकर जो है आपका क्या बना है, मुगल शैली बना है, मुगल शैली जो है बना हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखिए, राग हिंडोला की रागनी पठहंसी का चित्र यह, देखिए आप रामायण के महत्वपूर्ण भाग से है, नहीं बिल्कुल नहीं, रामायण से नहीं है, किससे आपका है, तो रागमाला का एक महत्वपूर्ण भाग से लिया गया है, तो जिसे चित्रित किया गया है, यानी कि बिल्कुल क्या हो गया ये गलत हो गया है, यानी कि ए और बी आपके सही हैं, सी और डी आपके गलत है, यानी कि देखिए ए बी दोनों सही हैं, सी डी आपके गलत हैं, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 10 नंबर पे क्वेश्चन जो दिया है आपका, मुगल कालीन चित्र नुवास आर 1590 में बनी चित्रित पेंटिंग की किस पांडुलिपि का एक उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन, दीवाने हाफिज, बाबरनामा, अकबरनामा, शाहनामा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
दीवाने हाफिज, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया आपका है, सही सुमेलित करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए बार बार दिया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो आपको सॉल्व करने में। तो बिल्कुल आप जो है ध्यान से देखिए और समझिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए तारिक ए हुसैन शाही, तारिक ए हुसैन शाही जो ग्रंथ है कहाँ से है, तो इसका देखिए हो जाएगा अहमदनगर, यानी कि ए का आपका हो गया पहला। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 3 बिल्कुल गलत हो गया, ये ए का पहला यहाँ पे देखिए मिल रहा है आपका, ए का 3 ये भी बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे ए का 1 मिल रहा है, ए का 1 यहाँ पे भी आपका मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए नुजुम उल अल उलूम जो है आपका जो है ये आपका आ जाएगा बीजापुर, यानी कि बी का 3रा, यानी कि देखिए यहाँ मिल रहा है कहीं पे बी का 3रा यहाँ मिल रहा है, बी का 3रा यहाँ पे भी मिल रहा है आपका, यानी कि दोनों। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या है, जैसे सी का रामायण का आपका हो गया वाल्मीकि, सी का हो गया 4, यानी देखिए यहाँ पे सी का यहाँ पे 2रा दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे सी का 4 और रसिक प्रिया यानी कि डी का आपका 2रा, डी का यहाँ पे 2रा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। तो बिल्कुल आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा आपका बंगाल, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया, 13 नंबर पे, मुख विहीन मदर की छवि एक शिशु को हाथों में पकड़े हुए केंद्र में बैठी हुई माँ की गोद में एक युवक क्षैतिज रूप में लेटा है, घुटने के बल बैठी हुई महिला की आकृति है जो भारत में असहायों के उपचार एवं पोषण को प्रकट करती है, यह चित्र है, वो चित्र की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, दीवारों से सरोकार है, अनसुनी चीखे हैं और आपका है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपको असहाय और मुख विहीन ये सब छवि जो है आपको देखने को मिलती है। देखिए बिल्कुल आप अपने कॉपी में मिलाते रहिए कितना आपका सही हो रहा है कितना आपका गलत हो रहा है, बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं लेना है, आराम से इंजॉय के साथ आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है एकदम अच्छे से। इधर देखिए जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र चौगान प्लेयर्स जिसे दाना ने चित्रित किया, इस चित्र में 6 राजकुमारियां द्वारा अपनी छड़ियों से किस रंग की गेंद को नियंत्रण में लेने का प्रयास करती हुई दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे पूरी बात कह दिया गया कि 6 राजकुमारियां हैं, दाना ने बनाया, जोधपुर शैली में ये बनाई गई चित्र है, लेकिन लास्ट में क्या पूछा है आपका, गेंद का रंग पूछ दिया गया है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पूरी कहानी बताई जाएगी आपको, लास्ट में कुछ और पूछ दिया जाएगा, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ना है और कई बार रिपीट करना है। ठीक है, देखिए कौन सा रंग है, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, गहरा भूरा रंग, तो आपको क्या हो जाएगा, लाल रंग के गेंद से जो है वहां पे 6 राजकुमारियां पोलो खेल रही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, भंवर वर्लपूल प्रसिद्ध छापा चित्र कहाँ पे रखा गया है, इसकी बात क्या जा रहा है, देखिए दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेचर मोटे नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में रखा गया है, लेकिन जब ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो तब जाके आप क्या लगाएंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली लगाएंगे, क्योंकि आपके मेन जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है क्या, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसके बारे में देखेंगे, अनसुनी चीखे, अनसुनी चीखे मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या है,
तो आपको ये पता होगा कि अनुसुनी जो चीखे है इसके कलाकार कौन है, तो अमरनाथ सहगल है जो आपके एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में है। तो इसमें देखेंगे आप इसका मीडियम पूछा हुआ है, क्या इसका माध्यम क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कांस्य और पीतल, सीमेंट और पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोंज, यानी कि कांस्य। पहला ऑप्शन अब क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से सही गलत को चुनिए। बिल्कुल आपका वार्निंग दे दिया गया कि सही और गलत को चुनना है, ठीक है। आगे देखिए, 15वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ क्षेत्र में लघु चित्रों की रचना हुई। इस शैली का सबसे विकसित रूप पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है। तो बिल्कुल क्या हो गया आपका, यह सही है। आगे देखिए, 16वीं शताब्दी के बीजापुर के चित्रों में 1570 ईस्वी का चित्रित विश्वकोश नुजुम अल उलूम महत्वपूर्ण है। तो देखिए नीचे दिए विकल्पों का सही विकल्प चुने आपका, इसका देखिए ये भी बिल्कुल सही है और आपका बिल्कुल ये भी सही है। तो क्या सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों सही है। देखिए ए और बी दोनों सही, यहाँ पे ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है इसका, इसको देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन जो है इसके नीचे है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही गलत की पहचान करिए। ये बात इसलिए बार बार रिपीट हम किए हैं इस पेपर में ताकि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत हो जाए और अच्छे से आप पढ़े ताकि आपका क्वेश्चन एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, राधिका पेंटिंग 1940 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे मिस्टेक आपका क्या है, तैल रंग। आपको ये भी पता होगा कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई जो है वास टेक्निक के कलाकार माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किया गया क्या, तैल रंग दिया हुआ है। ये यानी कि बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वास होना तो ये था, तो ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए पेंटिंग में राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करने के लिए वरुण देवता से प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। तो ये भी क्या बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यात्रा का अंत पेंटिंग में बैठते हुए ऊंट को सूर्यास्त के लाल पृष्ठभूमि पर यात्रा का अंत को संध्या से सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। तो जानते हैं आपकी अवनी टैगोर का यात्रा का अंत जो है उसमें ऊंट को दिखाया गया है, रेगिस्तान में दिखाया गया है। तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल आपका सही हो जाए, यानी कि ए आपका गलत है, बी सी आपका सही है। देखिए यहाँ पे ए बी दोनों सही है और सी गलत है, ये तो होगा नहीं। ए जो है आपका गलत है, बी सी दोनों क्या हो जाएगा आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपका, सही मिलान करें। देखिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, यहां पे क्या पूछ दिया गया आपका, आर्टिस्ट का नाम दे दिया गया। इस तरह से आर्टिस्ट का नाम भी दे सकता है आपका, समय काल दे सकता है या शैली का भी नाम दिया सकता है आपका। तो आपको पूरे प्रैक्टिस करना है, शैली से लेके आर्टिस्ट को लेके उसकी प्रसिद्धि से लेके सबको आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए तो ये जो आर्टिस्ट है वो आपके कौन है, मिस्किन है। यानी कि एक आपका हो गया तीसरा, एक यहाँ पे देखिए तीसरा दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्या हो गया, ये गलत हो गया। आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको कट कर देना है, ठीक है। देखिए ए का वन ये भी बिल्कुल गलत है, अब इस दोनों में दिमाग लगाना है, ए थ्री, ए का थ्री, ए का तीसरा, ए का तीसरा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे मारू रागिनी जो चित्र है इस किस आर्टिस्ट ने बनाया, तो साहिब दीन ने बनाया, यानी कि बी का आपका चौथा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बी का दूसरा दिया हुआ है, बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या दे, बी का चौथा दिया हुआ है, तो क्या होगा, यही बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। प्लस आप देखेंगे कि सी का कौन सा है, तो
तो राग मेघा हो गया सी का दूसरा, सी का माधोदास, सलीम का जन आपको हो गया रामदास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। तो बिल्कुल आप ऐसे सॉल्व करेंगे पेपर को। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण पेंटिंग में कृष्ण को किस रंग के वस्त्र से दिखाए। देखिए वहाँ पे देखिए सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण के रंग के मतलब वस्त्र के रंग के बारे में पूछा गया है। तो देखिए रंग कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है लाल रंग, पीला रंग, हल्का नीला रंग, श्वेत रंग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पीला रंग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया आपका दक्कनी क्षेत्र की बात है, दक्कनी लघु चित्र शैली का विकास हुआ था तो 16वीं से 18वीं के बीच में, 15वीं से 17वीं के बीच में, 16वीं से 19वीं के बीच में, या 15 से लेकर 19 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 से लेकर आपके 19 के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक माना जाता है। तो आपको आपके सिलेबस में भी है ध्वज को लेकर, उसकी साइजिंग क्या होनी चाहिए, उसमें रंग का क्या महत्व है, उसके डिजाइनकर्ता कौन है, इस सब के बारे में भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी आपका दिया हुआ है भारतीय ध्वज में सफ़ेद रंग का किसका प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बलिदान, त्याग, शांति, सत्य, समृद्धि, खुशहाली, निरंतर गति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शांति और सत्य को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सती पेंटिंग, सती की बात बोलें या शिव सती की बात किया जाए, या आपको शिव सिद्ध कलाकार की बात किया जाए, वो आपका आते हैं नल बोस। पेंटिंग नल बोस की प्रसिद्ध कृति का समय काल पूछा गया है सती का, तो इसका जो हो जाएगा आपका 1943, यानी कि पहला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, माँ और बच्चा पेंटिंग यामिनी राय द्वारा बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है। जब यामिनी राय को पढ़ेंगे तो यामिनी राय का लोक कला से काफ़ी प्रभावित है, बंगाल की लोक कलाओं से प्रभावित है, उनके चित्रों में क्या देखने को मिलता है उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए देखते हैं ऑप्शन क्या है, माँ और बच्चे को कुपोषण का शिकार, बिल्कुल गलत, माँ और बच्चे के बीच का असीम प्रेम को दिखाया गया है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माँ और बच्चों को समाज की बुराइयों को उत्पन्न करने की पीड़ा, ये बिल्कुल गलत है, माँ और बच्चों को पीड़ित मुद्रा में दिखाया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ और बच्चे के बीच असीम प्रेम को दिखाया गया है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण पेंटिंग में घने बादलों को किस रंग से दिखाया गया है। देखिए जो भी आप पेंटिंग को पढ़िए उसके एक एक पॉइंट को आप जो है ध्यान दीजिए, उसमें रंग कैसे बनाए गए हैं, क्या यूज किया गया है, टेक्निक क्या है, तकनीकी क्या है, संग्रह क्या है, क्योंकि आपका एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सब चीज़ का आपका स्टडी करना है, जिसमें से हमने ऐसे बहुत से पेंटिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो उसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पेंटिंग में घने बादलों को किस रंग से दिखाया गया है। देखिए आपका दिया हुआ है गहरा नीला, गहरा पीला, सफ़ेद, गहरा भूरा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गहरा नीला। ठीक है, आगे देखिए आप क्या दिया हुआ आपका है, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह पेंटिंग किस उपशैली से आपका संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन कुछ दिया गया आपका कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीजापुर। ठीक है, आगे देखिए, रासलीला पेंटिंग में कृष्ण के गले में किस रंग का वस्त्र लिपटा हुआ है। देखिए यहाँ पे रासलीला जो पेंटिंग है उसमें जो गले में जो वस्त्र बने हैं उसका भी रंग जो है पूछा गया है, तो देखिए पीला है, गेरू है, नीला है, नारंगी है,
तो क्या हो जाएगा आपका, गेरू रंग से जो है दिखाया गया है पीले उनके गले में लिपटे हुए, ठीक है, वस्त्र को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी। तो राजस्थानी जब शैली को पढ़ते हैं तो उसमें एक क्षेत्र आता है जयपुर शैली, जिसको जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसका पूछा हुआ कि उसका डेवलप रूप यानी कि जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र की बात यहाँ पर कर रहा है। देखिए उसका है उदयपुर, नागौर, आमेर और अजमेर। तो आमेर में क्या हुआ है, इसका डेवलप रूप जो है देखने को मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बाबर सो नदी पार करते हुए पेंटिंग किसके शासन काल में बना है। यहाँ पे शासन काल की जब बात करते हैं तो किसके शासन काल में बनाया गया है, तो आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जगन्नाथ, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो बाबर सो नदी पार करते हुए चित्र है वो जगन्नाथ ने बनाया है, बट यहाँ पे शासक की बात कर रहा है, किसके शासन काल में बनाया गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर। बिल्कुल आप अपने साथ मिलाते रहें कितना आपका सही हो रहा है और कितना आप जो है गलत कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रमुख पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो किस उपशैली से संबंधित है। देखिए दिया ऑप्शन बीजापुर, हैदराबाद, गोलकुंडा, अहमदनगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। आगे देखिए मूर्तिकार ने श्रमिकों की मानसिक मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव, संकुचन एवं विस्तार को उनकी संपूर्ण शारीरिक संरचना के साथ खूबसूरती से प्रकट किया गया है, मूर्तिशिल्प कौन सी है। यहां पर देखिए उस मूर्तिकार की बात कर रहा है, जैसे आप पढ़े होंगे कि देवी प्रजा जो चौधरी हैं उनके जो मूर्ति है उसमें मांसपेशियों को दिखाया गया है, कुछ लोग हैं जो आपको ढकेलते हुए दिखाया गया, श्रम करते हुए दिखाया गया, उसी मूर्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है संथाल परिवार, अनसुनी चीखे, श्रम की विजय। तो श्रम की जो विजय है वो आपकी है देवी प्रसाद चौधरी की, जिसमें आपको मांसपेशियां देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 32, आक्सीकृत तांबे धातु सीट चादर का उपयोग किया है और रेखीय तत्वों के साथ उसकी सतह को अलंकृत किया है, धातुओं की चादर को पीटकर अवतल सतह बनाई गई है और उस पर रेखीय विवरण को बेल्ट जो है किया गया। यहाँ पे बात कर रहा है इसका कि ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो बर्तनों को आपका जो है अवतल बना के यानी कि उसको पीट पीट कर जो है एक अलग आकृति का निर्माण किया गया है, जिसमें आस्कृत तांबा मतलब तमाम आपके जो है मेटल का प्रयोग करके मूर्ति का निर्माण किया गया है। उस मूर्ति का नाम पूछा जाए देखा जाए पूछा गया है कि देखिए श्रम की विजय होगा नहीं, बच्चे होंगे नहीं, अनसुनी चुके हैं नहीं, तो आपकी जो गणेश मूर्ति है ये आपका आस्कृत तांबे धातु के सीट से जो है बनाया गया है। इसके जो आर्टिस्ट हैं वह हैं आपके पीबी जानकी राम, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, अनसुनी चीखे मूर्ति शिल्प अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित जिसका संग्रह पूछा गया है। देखिए यहाँ पे दो तरह से दे दिया गया है, अनसुनी चीखे किसकी है, तो आपका दे दिया गया अमरनाथ सहगल की है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया गया आपका, संग्रह पूछ दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, शांति निकेतन के प्रांगण में। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली NGMA, इसको नगमा भी बोलते हैं या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहीं पर आपका क्या है, संग्रहित है। जो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग क्या है इसका, ठीक है। देखो कि भंवर प्रसिद्ध छापा चित्र कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया था, मतलब पूछा है कि कब बनाया, टाइमिंग को पूछ लिया गया है, कृष्णा रेड्डी जो है बनाया गया चित्र है, टाइमिंग पूछा गया है। देखिए 1958, 1970, 1982, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में जो इसको बनाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए 36 नंबर पर दिया हुआ है, कांगड़ा क्षेत्र में
चित्रकला एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में विकसित हुआ। राजा संसारचंद, सावंत सिंह, जगत सिंह प्रथम, राजा मान सिंह, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजा संसारचंद। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सही और गलत। नीचे दिए गए वाक्यों में से सही गलत का चयन करें। इस तरह क्वेश्चन आपको बार बार इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप सही और गलत को सही से पहचान पाए। ठीक है, देखिए भागवत पुराण चित्रों की श्रृंखला कांगड़ा कलाकारों को सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात आपका क्या है, सही है। आगे देखिए दिया हुआ है कांगड़ा शैली में प्रेम से संबंधित चित्र। यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे नहीं बनाए गए हैं। अगर ये यहां पे नहीं होता तो आपका बिल्कुल क्या, ये भी सही होता, यानी कि बनाए गए प्रेम से संबंधित चित्र जो है आपके बनाए गए, तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए 1730 में चित्रित गीत गोविंद श्रृंखला मानकू के सबसे सुंदर अद्भुत रचना है जिसमें बसोहली शैली के तत्व भी समाहित हैं। तो क्या हो गया आपका, ये भी आपका सही, यानी कि ए और सी सही है, बी आपका गलत है। देखिए आप दिया हुआ ए बी सी तीनों सही है, ये होगा नहीं। ए बी सही है लेकिन सी गलत है। ए बी देखिए यहाँ पे भी ये भी होगा नहीं, तो ए सी आपका सही है लेकिन बी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 38 है, पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण कहां से मिलता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन नीचे भी है, इसको भी देख लेते हैं क्या है इसका। तो यह है आपका पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण कहां से मिलता है, बसोहली से, कांगड़ा से, गुलेर से, गढ़वाल से। तो आप देखेंगे कि बसोहली से आपकी जो है ये मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बसोहली। क्या आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एकदम इंजॉय के साथ आप पेपर को सॉल्व करिए, कोई नहीं, फर्स्ट में थोड़ा सा कम होगा, सेकेंड में थोड़ा उससे अच्छा होगा, थर्ड में उससे अच्छा होगा। जब तक आप जो है 50 में 50 नहीं कर लेते हैं आप, तब तक आपके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है, देखिए नंद यशोदा और कृष्ण पेंटिंग किस ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथ की यहाँ बात कर रहा है यहाँ पे, कि रामायण से लिया गया है, गीत गोविंद से लिया गया है, कि बिहारी ससें से लिया गया है, कि भागवत पुराण से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, भागवत पुराण से आपका जो है लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, राजा अनसिंघाड़ा पेंटिंग में कलाकार ने सजावटी तत्वों को किस रंग से दिखाया गया है। ठीक है, लाल, पीला, भूरा, हरा, बिल्कुल गलत। लाल, पीला, नारंगी, भूरा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे तत्वों की बात कर रहा है, सजावटी की बात किया रहा है यहाँ पे, तो देखिए सफ़ेद, पीला, नारंगी और हरा से दिखाया गया, इसका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो आपका दिया गया है कि राजा अनसिंघाड़ा पेंटिंग में कलाकार ने सजावटी तत्वों को किस रंग से दिखाया है। लाल, पीला, भूरा, हरा, बिल्कुल गलत। इसका जो हो जाएगा लाल, पीला, नारंगी, भूरा, सफ़ेद, पीला, नारंगी, हरा, सफ़ेद, पीला, नीला, हरा, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ये भी आपका गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लाल, पीला, नारंगी और भूरे रंग से इनको दिखाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए मरुरागनी पेंटिंग में चित्र के ऊपरी भाग में किस लिपि में सुलेखन कार्य किया गया है। देखिए संस्कृत, फारसी, देवनागरी और पाली, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका देवनागरी। आगे देखिए प्रसिद्ध पेंटिंग बंगाली महिला किसकी कलाकृति है। यामिनी राय, अवनी टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर,
राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा का जो पेंटिंग है वो है आपका है मराठी महिला, ठीक है, और इसमें आप हो जाएगा आपका बंगाली महिला यामिनी राय, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखना है और समझना है फिर इसका जवाब देना है। देखिए सही मिलान करें, पेंटिंग और कलाकार के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे मिलाने की बात किया गया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, ए का दिया हुआ है शकुंतला, शकुंतला का पत्र लेखन कहें या शकुंतला का वियोग कहें, तो वो आपके आते हैं राजा रवि वर्मा, एक आपका हो गया। दूसरा सीता एक्साइल, ये हो गया आपके राम किंकर बैस। महिला चेहरा हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। रासलीला हो गया आपका क्षितिजनाथ मजुमदार। तो देख लीजिए इसमें क्या है, एक का दूसरा यहाँ भी है, एक का दूसरा यहाँ पे भी है, ये तो आपका क्या हो गया बिल्कुल गलत है। बी का तीसरा, बी का पहला यहाँ पे दिया, बी का यहाँ पे पहला। सी का हो गया चौथा, सी का चौथा। डी का हो गया आपका तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन होगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 7 अगस्त 1906 के भारतीय ध्वज के डिजाइन में ऊपर की हरी झंडी में कितने कमल के फूल हैं। तो देखिए 6, 5, 8, 7 कितने आपके फूल हैं, तो 8 फूल हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया आपका भारतीय ध्वज के आकार का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, तो आपको हो गया 3:2। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, 46 मूर्ति शिल्प संथाल परिवार का समय काल रहा है, आपका हो जाएगा आपका 1938, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938। देखिए 47 आपका है, मुगल कालीन पेंटिंग बाज पक्षी विश्रामी पर चित्र किसने चित्रित किया है, मिस्किन, उस्ताद मंसूर, हाजी मदनी, अबुल हसन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उस्ताद मंसूर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 13 फीट ऊंचे कब्रेज दानेदार एकाश पत्थर को तराश कर उत्कृष्ट कलाकृति की रचना की, इस मूर्ति के चारों फलकों पर स्त्री जीवन के 4 विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, इसके मूर्तिकार का नाम पूछा है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक का याद गिरिराव की जो मूर्ति है उसमें ये सब चीजें जो है देखने को मिल जाएगी आपको। देखिए इस तरह के भी आपको क्वेश्चन आएंगे, पिक्चर आएगा, पिक्चर के बारे में 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्जाम में जो है पूछा भी गया है बहुत से चित्र देके। तो देखिए आपको अभ्यास करना अच्छे से, नीचे दिए गए चित्र को पहचाने, तो आप देख रहे हैं यह आपका कौन सा चित्र है इसके बारे में पूछा है, तो चांद बीबी कुपोलो खेलते हुए, चौगान प्लेयर, रागनी पठंसिका, राजा अनुसिंह हाड़ा। तो देखिए ये आपका है चौगान प्लेयर, जो कि जोधपुर शैली में आपका ये चित्र बनाया गया है, और इसको किसने बनाया था, दाना ने बनाया था, ठीक है। देखिए यही रंग है जो आपका क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, इसी गेंद की बात कर रहा था वहां पे, यही आपका लाल रंग है। आगे देखिए आपका आ गया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डीपी राज चौधरी द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प कौन सी है, संथाल परिवार, गणेश, चतुर्मुखी, श्रम की विजय। तो आपका हो गया श्रम की विजय, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप कितना क्वेश्चन कर पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इस तरह का अगर वीडियो आपको और भी चाहिए या और भी आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ताकि आप अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकें, और आपके लिए ये सब चीज़ें जो है की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।